नमस्ते दोस्तों, कभी सोचे होंगे कि एक पॉइसन से बनाए हुए स्टैच्यू को 4000 तरह की बीमारियों को ठीक करने का पावर रहेगा करके? आएगा दोस्तों, सिद्धर ने बनाए हुए ये भगवान स्टैच्यू का मिस्ट्री और मेडिकल वर्ल्ड में ये स्टैच्यू की डिमांड कितना है देखेंगे। सिद्धर लोग बहुत पावरफुल थे और कई सारी सीरियस डिसीज का बड़ी आसानी से ठीक करते थे। उसके दौरान सिद्धर बोहर 9 तरह की पॉइसन को जुड़ा के एक मुर्गन भगवान की स्टैच्यू बनाते हैं। क्यों सिर्फ 9 टाइप्स ऑफ पॉइसन? उनका मानना ये था कि नवग्रह से जो असुविधा होता है उसको ये नवपाषाण स्टैच्यू ख़त्म कर देगा। तमिलनाडु की पलनी में रहने वाला ये नवपाषाण स्टैच्यू नॉर्मल से थोड़ा हाई टेम्परेचर में रहता है और रात होते ही इस स्टैच्यू से स्वेटिंग निकलता है, यानी कि पसीना। उस पसीना की पानी की महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है कि रात में लॉर्ड मुर्गन को चंदन से पूरा भरा देते हैं और जब सुबह देखते हैं कि पूरा चंदन वो पसीना से मिलके पूरा हरा रंग सा दिखाई देता है। और रात भर नवपाषाण स्टैच्यू बंद रखा जाता है कि पूरा एनर्जी जो स्टैच्यू से एमिट होती है वो सब स्थल यानी कि ऊपर मंदिर के अंदर पूरा भरा पड़ा रहना है करके। सुबह सुबह दर्शन करने से पूरा अक्यूमुलेटेड एनर्जी हमें पास करता है तो जीवित लगता है। ये हिल टेंपल में सिद्धर बोगर जो ये स्टैच्यू को बनाए थे उनके लिए एक अलग सा मंदिर भी है। ये स्टैच्यू को ऐसे पहाड़ के ऊपर रखे हैं कि साइंटिफिकली बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है। पूरा पहाड़ चढ़ के 300 स्टेप्स, लगभग 300 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते तो हमारा लंग्स एक्सपैंड हो जाता है, हार्ट पंप ठीक रखता है। तो 300 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने के बाद आदमी पूरा एनर्जाइज फील करता है ऑलरेडी। उसके साथ वो जो पॉजिटिव एनर्जी वो भगवान की स्थल से इमिट होता है वो हमें जैसे ही पास करता है आदमी बहुत मजबूत बन देता है दिल और दिमाग से। इधर स्वामी दर्शन के बाद पंचामृतम प्रसाद सा दिया जाता है जो नेचुरल शुगर से बना है जो आदमी को और भी एनर्जाइज करता है। और ये खाली मंदिर नहीं, इट्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी ही बोल सकते हैं। इधर की जो लॉर्ड मुर्गन है उनको रात में स्वेट होता है और ऊपर से वो पसीना को दूध अभिषेक या पंचामृत अभिषेक से निकाल के भक्त लोग को देते हैं। एक बार पूरा मंदिर 300 सीढ़ी चढ़ के भगवान को दर्शन करके पंचामृतम खा के बैठने के बाद दिल और दिमाग का सिर्फ ठंडा नहीं हो जाता है, बॉडी को सच में ही इम्यूनिटी मिलता है।